तो देखो दोस्तों, मैंने कई बार बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा कि मैं कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ तो आप सोच समझो और उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक में आपको ऐसे ही सजेशन नहीं दूंगा, उसका थोड़ा रिसर्च करूंगा अच्छे से। क्योंकि अगर आपका पैसा डूबेगा तो वो मेरे लिए भी सही नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं इसलिए आपको ये सब वीडियोज़ बनाकर दे रहा हूँ कि आप कुछ पैसे कमा सको। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, वो 100 में से 90% केस में क्या होता है कि वो जो है प्रॉब्लम में फंस जाता है या उसका कैपिटल जो है स्टक हो जाता है लॉस के कारण। तो आपको प्रॉफिट हो उसके वजह से यहाँ पे वीडियो बनाया जाता है। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस स्टॉक के बारे में, तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के बारे में। जो कि उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने बोला था आपको कब 90 रुपीज़ पे खरीदने को, और आज ये स्टॉक चल रहा है 969 के आसपास। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप आ जाओगे वीडियोज में, तो वीडियोज में ये रहा फर्स्ट नंबर पर। अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये स्टॉक जो आपको दिख रहा है, ये तीतागढ़ शेयर न्यूज करके ये जो स्टॉक है, मैंने आपको कल बोला था 21 घंटे पहले, और तब उसका प्राइस क्या चल रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने ये तभी दिखाया था, यहाँ पे देखो तो 839 रुपीज़ के आसपास आपको ये स्टॉक का प्राइस दिख रहा है। अब यही 839 आज कहाँ चला गया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आज का जो ये दिन का जो है, यहाँ पे देख लो 839 के आसपास ये दौड़ रहा था, फिर ये करीब करीब 838 के रुपीज़ के आसपास लो मारा उन्होंने, और फिर देखो यहाँ पे बस अप साइड ही चला गया है। और यहाँ पे आपको करीब करीब 20% तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। यहाँ पे आप देख लो 995 तक का हाई जो है वो लगा चुका था। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 995 के आसपास कितना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 20% का प्रॉफिट, और बन कितने में आया 16% एक दिन में। आपके FD के 3 गुना जो है यहाँ पे पैसा जो है एक ही दिन में बन गया। तो मैंने, अगर मैं आपको कोई भी स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो उसमें भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो स्टॉक है मैंने कब बोला था आपको वन, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो तीतागढ़ वैगन इज मेनली एंगेज इन मैनुफेक्चरिंग एंड सेलिंग फ्रेट वैगन पैसेंजर कोचेस का, यहाँ पे रेलवे में। यहाँ पे आप देख लो ये तब का प्राइस है, कब का, 2 साल पहले का। यहाँ पे आप देख लो 92 रुपीज़ का स्टॉक था, देख लो करंट प्राइस कितना चल रहा है, 92.8 रुपीज़ चल रहा है। और आज यही स्टॉक अगर आप देखोगे, दोनों में डिफरेंस देखो, 1110 करोड़ का मार्केट कैप था, आज देख लो कितना करोड़ का है, 12,390 करोड़ का मार्केट कैप है। और आज उसकी करंट प्राइस है 975, और आज का ही यहाँ पे आप देख लो डे हाई 52 वीक का हाई लगा चुका है ये स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो 995, और यहाँ पे देख लो 52 वीक का हाई कितना है 995, आज 52 वीक का हाई लगा चुका है ये स्टॉक। और अब ऐसा ही एक स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो कौन सा स्टॉक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो इस स्टॉक के बारे में बात करूँ मैं, सुंदरम मल्टीप्लेट लिमिटेड के बारे में। तो ये स्टॉक करता क्या है, ये स्टॉक, ये कंपनी जो है क्या प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा, पेपर है, स्टेशनरी है, वो रिलेटेड चीज़ें जो है प्रोवाइड करती है, कहाँ पे, स्कूल वगैरह में। या मैं आपको उसकी वेबसाइट में अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आपको थोड़ा उस बारे में भी आइडिया रह जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा बनाती है, बुक्स वगैरह जो है यहाँ पर बहुत अच्छा उसका चल रहा है। और मेन चीज़ क्या होती है कंपनी में, यहाँ पर होता है मैनेजमेंट। जी बिल्कुल, तो मैं आपको देखो मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता देता हूँ पहले। यहाँ पर आप देख लो कंपनी का प्रमोटर्स जो है, यहाँ पर 31 रुपीज़ का जो है यहाँ पे उसका था शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं ईयरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो 2017 में देखो 28% था, फिर उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बस हाथ खड़े कर दिया। फिर यहाँ पे देख लो DIA वालों ने जो हाथ मतलब रखा था वो भी उन्होंने कहाँ पे खत्म कर दिया, जब प्रोमोटर वापस बाइंग जोन में है। यहाँ पे आप देख लो कि वो धीरे धीरे करके बाइंग जोन में आ रहे हैं। अभी ये स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 2 रुपीज़। यहाँ बिल्कुल 2 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आप देख लो 31% का, यहाँ पे देख लो डायरेक्ट जम देखो 2021 में। तो यहाँ पे 2021 में कौन सा प्राइस चल रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 साल पहले 2021 में देखो यहाँ पे करीब करीब 1.30 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। अब अगर 1.5 रुपीज़ भी गिन लिया तो अभी भी अभी का स्टॉक अगर आप देखोगे तो 2.90 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल रहा है, यानी कि करीब करीब 3%, यहाँ पे 3 रुपीज़ जो है देखने को मिल रहा है। तो करीब करीब आप अगर लोगे यहाँ से, तो जहाँ पे प्रमोटर ने लिया है उससे 2 गुना प्राइस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि 1.5 रुपीज़ में प्रमोटर ने कितना बल्क में माल उठाया है, 9% के आसपास यहाँ पे कंपनी ने जो है उठा लिया प्रमोटर ने। वो ऐसा नहीं है कि ये बस आज अभी के लिए उठाया है, वो धीरे धीरे करके उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, यहाँ तक कि इसी वीक में उठाया गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो सुंदर मल्टीपैक का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो 16 नवंबर 2023, यानी कि कब, कल की बात है, 16 नवंबर 2023, 50,000 क्वांटिटी, 0.01% का ट्रेड किया है, एवरेज प्राइस क्या है 1। यहाँ पे ऐसा नहीं है, देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट परचेस किया गया है, यहाँ पे आप पूरा ये देख लो प्रमोटर ग्रुप ने किया हुआ है। उन लोगों के पास ये हार्दिक अमृत शाह है, उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट में जो है शेयर पड़े थे, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। 50,000, यानी कि 50,000 1 रुपये के आसपास उन्होंने लिया हुआ है और रख दिया है, और मैनेजमेंट यहाँ पे एक्टिव हो गया है। तो मैनेजमेंट जहाँ पे एक्टिव कब होता है, जब उन्हें लगता है कि अब यहाँ से जो है ये कंपनी हमें प्रॉफिट करके देगी, या हम यहाँ पे इतना अच्छे से चेंज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने गति के बारे में आपको बार बार बोला था, वापस मैं आपको बता देता हूँ गति स्टॉक के बारे में। यहाँ पे देख लो 2 साल पहले की बात है, मैंने 2 साल पहले बोला था कि गति नाम का स्टॉक है, उसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है, आपको गति स्टॉक जो है उठाना है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितना रुपीज़ का प्राइस चल रहा था, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो 96 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, ये बिल्कुल, लेकिन ये कब का, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो 30 अप्रैल, ठीक है। और अभी अगर मैं आपको गति का स्टॉक आपको दिखाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्टॉक अभी कहाँ पर दौड़ रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो यहाँ पे कहाँ पे दौड़ रहा है अभी 135 है, लेकिन ये स्टॉक देख लो 178 रुपीज तक चला गया था। और हमारे जो यहाँ पे सब्सक्राइबर है, हमारे जो वो होता है तो प्रीमियम कस्टमर, वो लोगों ने देख लो यहाँ पे 300 रुपीज तक का ये टच कर दिया था। कि हमने कहा बोला था आपको यहाँ पे कहाँ पे बोला था, यहाँ पे 2020 के अराउंड अराउंड जो है कोविड के टाइम पे हमने बोला था कि बाई करो 80 के अराउंड जो हमने बाई बोला था। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो गति के बारे में, मैंने बार बार बोला था, लगातार बोला था कि ऐसे स्टॉक पे आप जो है यहाँ पे बाइंग करना शुरू करो। यहाँ पे देखो गति, मैंने कब बोला, 2 साल पहले आखिरी मौका बार बार बोल चुका था ऐसा स्टॉक पे, रतन इंडिया। देखो आरटीएन पावर, अभी यहाँ पे मैंने आरटीएन पावर का 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, यहाँ पे आप देख लो ये गति का जो है, ये 2 साल पहले का मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये कौन से प्राइस पे चल रहा था। आप देखो ये हाई पे हाई मार रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो 108, फिर वापस स्टॉक जो है डाउन आया, डाउन कब आया यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है पहले का फिर उसके बाद का, ठीक है। आप देखो 2 साल पहले किया, फिर उसके बाद जब ये डाउन है फिर वापस मैंने वीडियो बनाया कि इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करो। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो सुंदरम जो है, मैं आपको दिखा था सुंदर मल्टीपैक जो है, ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे देख लो कंपनी अपना डेट घटा रही है। जब डेट घटा रही हो तो आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी अब आगे बढ़ना चाह रही है। पहले क्या था, यहाँ पे आपको 10 साल का डेटा देख लो, पहले कंपनी क्या कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस कंसोलिडेट जोन में चल रही थी, चल रहा है जितना चलना है, तो नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। अभी कंपनी को फर्क पड़ रहा है कि अभी चलना चाहिए, अभी क्यों चलना चाहिए, अगर अगर डेट खत्म कर रहा है। यहाँ पे देख लो एक्सपेक्टेड ड्यू क्विक क्वार्टर कब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेन होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो कि कंपनी का जो यहाँ पे देख लो सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 106, ये 2015 में देख लो ये 2 डिजिट पे आ गया था, 83, 96, 94, या फिर वापस 106 आया, लेकिन कब, 2 साल के लिए ही। फिर देख लो वापस यहाँ पे 2 डिजिट पे आ गया, क्योंकि कोविड के लिए। अब कोविड में क्या हुआ कि पूरा जो ये स्टेशनरी वगैरह का जो चल रहा होता था वो सब कुछ कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन पे शिफ्ट होने की वजह से बहुत ही यहाँ पे देख लो सेल्स कम हो गई, लॉस में चले गए लोग। लेकिन अभी धीरे धीरे देखो यहाँ पे सब कुछ खुल रहा है, और धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। तो यहाँ पे देख लो कि 128 का जो है यहाँ पे सेल्स जो है उन्होंने टच कर दिया है, जो कि पिछले कई सालों का जो है हाई है, और आने वाले दिन में आपको वही हाई देखने को मिलेगा। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखने को देख रहे हो तो वो देखने की बात नहीं है, क्योंकि सेल्स जब जब बढ़ता है ना तब एक्सपेंस भी होते हैं। तो अभी क्या है, फिलहाल सेल्स बढ़ रहा है, तो सेल्स बढ़ रहा है तो एक्सपेंस तो होंगे, लेकिन वो कवर हो जाते हैं आगे आगे जब कंपनी और ग्रो करती है और बल्क में ऑर्डर्स आने को मिल जाते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कंपनी का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, आपको फ्यूचर विजन का सोच के आपको कैसे स्टॉक में जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्डन क्रॉस ओवर बन चुका है, यहाँ बिल्कुल यहाँ देख लो सपोर्ट जोन पे आ चुका है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे देख लो 2.70। तो यहाँ पे आप ऐसा भी जा सकते हो 2.70 या 2.50 का स्टॉप लॉस रख दो, सिर्फ 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख दो, और आप जो है ओपनली खेलो, ओपनली आप बाय करो, ओपनली इन्वेस्ट करो इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो 5-6 रुपीज का स्टॉक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो भी आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपीज के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है अब ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे मैनेजमेंट एक्टिव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्विजिशन पे एक्विजिशन हो रहा है। चलो एक दो महीने में यहाँ पे हरकत हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000, 5 लाख ऐसा क्वांटिटी में माल उठाया जा रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, आपको यह समझना चाहिए कि मैनेजमेंट जब बढ़िया होता है ना, टाटा देख लो, कोई भी स्टॉक अच्छा स्टॉक देख लो, उसका मैनेजमेंट बढ़िया होगा ना तो कंपनी अपने आप बढ़िया करेगी, और अपने आप जो है कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे स्टॉक के बारे में बताया, आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीडियोस में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एक दो स्टॉक अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है तो आप पकड़ सकते हो, ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे, पकड़ सकते हो आप जाओ यहाँ पे देख लो। और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने अपने जो एडवाइजर होता है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए जो ये स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं। आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करना है, तभी जाकर जो है आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आपको बताइए आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप आ सकते हो इन्वेस्ट, यहाँ पे इंस्टाग्राम में भी आ सकते हो, और आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में आओ, यहाँ पे भी हम शेयर करते हैं कि कौन सा प्रॉफिट चल रहा है, किसमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है, थोड़ा मेन पर्पस भी जाता है, क्योंकि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो आप लोगों को भी मजा आएगा। और अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, और कोई भी स्टॉक में अगर क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे हम आपका रिप्लाई कर देंगे और आपका जो है क्वेरी वो सोल्व कर देंगे।